अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑनरेबल सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस सर, अजीत पवार सर, महाराष्ट्र के सारे आईपीएस सर, नया नगर में शम्स मस्जिद के बाहर का सीन 19 और 19 तारीख के पहले से गवाह है नया नगर पुलिस स्टेशन और एमबीवीवी पुलिस स्टेशन, जबकि वो बार बार रोक रहे थे ये मॉब को जो अलग अलग रास्ते से आ रहे थे इनको रोकने के लिए। तो इनकी स्टेशन डायरी इनके डीसीपी के रिकॉर्ड में और इनके स्पेशल एलएसी अगर इन्होंने कोई फाइल किया होगा तो उसके रिकॉर्ड में ये चीज़ होना चाहिए और सारे सीसीटीवी फुटेज उस दिन से चालू करना चाहिए 17, 18, 19, 20, 21 तक से कि ये क्यों भड़के और ये कौन लोग थे। क्यों पुलिस ने टाइमली एक्शन नहीं लिया और इसको दंगे की शक्ल देने की तक की राह देख रहे थे। और आज वहाँ के स्थानीय एमएलएज और कुछ और एमएलए ऐसे भड़काऊ भाषण अपने लोगों को दे रहे हैं साबित करने के लिए कि हम हिंदुत्व के सपोर्टर्स हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एज अ एनी पार्टी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको ये कहने शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो हु हैज़ टू बैलेंस द पीस कम्युनिटीज हारमोनी एंड एवरीथिंग एंड मूव, और आप लोग उसको और भड़काने की कोशिश करें। आज भी पुलिस स्टेशन में जैसे धारावी में ये मसला हुआ, मिलत नगर में हुआ, जोगेश्वरी में किसी और एरिया में हुआ, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं लोग, मीरा रोड की बात करें, लोकल पुलिस स्टेशन में मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये वाकये हो रहे हैं और माइनॉरिटीज़ को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, जबकि पोस्ट इन लोगों ने वायरल करना शुरू किया और फ्लैग ये लेके घूम रहे थे, गाड़ियों में ये घूम रहे थे, चल के ये घूम रहे थे, प्रोवोकेटिव स्पीचेस ये दे रहे थे और बाइक्स में ये घूम रहे थे। 144 सेक्शन लगने के बाद क्या आपने इनको परमिशन दिया था इस सड़क से घूमने के लिए? इतना तो ये कोई आज़ादी का जश्न के दिन बाहर नहीं निकलते और मनाते जितना ये लोग उकसाने। ये एक प्रोपेगेंडा था क्या? इसको आप दंगे की रंग में गुजरात की तरह की कोशिश करने दे रहे थे? वेल, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पढ़ी लिखी पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पॉलिटिकल एजेंडा, रिलीजियस एजेंडा। आई एम अपीलिंग टू ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू गिव अ एक्शन। आई हैव गिवन योर टाइमलाइन ऑन माय ईमेल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।